कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। भारत अपने कलरफुल ट्रेडिशन, रिच कल्चर और बहुत सारे रीति रिवाजों के रूप में जाना जाता है। एक ट्रैवलर के लिए भारत एक स्वर्ग है। भारत में वो सब कुछ है जो देखने लायक है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्यमय प्लेसेस भी हैं जिसकी मिस्ट्री साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया। ये अनसुलझे रहस्य विज्ञान और प्रकृति के सभी सम्मेलनों को गलत साबित करता है। भूतिया कहानियों से लेकर पौराणिक जीवों तक आपको स्थानीय लोगों से हर संभव स्पष्टीकरण मिलेगा, सिवाय इसके कि इन जगहों को घूमने के लिए एक स्थान सोचा जाए। आइए जानते हैं भारत के 5 ऐसे रहस्यमय मंदिर जिनका रहस्य साइंस भी नहीं सुलझा पाई। नंबर 5 पर है बुलेट बाबा तीर्थ, राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर जिले में बंदाई नामक एक छोटे से शहर में बुलेट मोटरसाइकिल को समर्पित एक मंदिर है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यह मोटरसाइकिल मंदिर मुख्य राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है और इसे आसानी से देखा जा सकता है। एक 350cc रॉयल इनफील्ड बाइक को समर्पित मंदिर जो एक मृत व्यक्ति का था, जिसे ओम बन्ना या बुलेट बाबा कहा जाता था। 1988 में ओम बन्ना एक दुर्घटना के साथ मिले जब वह गांव लौट रहे थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक ने एक विशाल पेड़ को टक्कर मार दी थी और वह आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं था। बाइक को रात भर पास के पुलिस स्टेशन में रखा गया था, लेकिन अगली सुबह वो गायब पाई गई। तलाश करने पर यह दुर्घटना के स्थान पर पाई गई। बाइक को वापस पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन फिर से वही हुआ। गांव के लोग इसे एक पवित्र आत्मा मानते थे जो गांव के लोगों की देखभाल करने के लिए आया था, और इसे इस प्रकार मृतक के सम्मान में बाइक के साथ देवता के रूप में स्थापित किया गया था। नंबर 4, ज्वालाजी मंदिर की अनंत लपटे, हिमाचल प्रदेश। ज्वालाजी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के निचले हिमालयी शहर में स्थित हिंदू मंदिर है। इसका उल्लेख महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों में भी किया गया है, जो स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि यह सदियों पहले की उत्पत्ति और महत्व है। लेकिन ये अनोखा तथ्य है कि किसी भी अन्य मंदिर के विपरीत ज्वालाजी मंदिर में एक मूर्ति या एक छवि नहीं है, लेकिन एक निरंतर जलती हुई नीली लौ है जो चट्टानों से आती है। मंदिर के विभिन्न स्थानों पर ज्योति देखी जा सकती है और वह अपने ज्ञात इतिहास की पहली तारीख से लगातार जल रही है। प्राकृतिक गैस का कोई जलाशय सदियों से ज्वाला को जलाए रखने के लिए नहीं मिला है, और यहाँ तक कि मुगल सम्राट भी लोहे के ढक्कन और पानी का उपयोग करके बार बार आग की लपटों को नहीं बुझा सका। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालाजी मंदिर के नीचे एक सोता हुआ ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी से निकलने वाली प्राकृतिक गैस आग की लपटों के रूप में जल रही है। हिंदू अपनी देवी को जीप के रूप में पूजते हैं। भगवान ब्रह्मा की पोती और भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान करने के बाद खुद को निर्वासित कर लिया। अपनी पत्नी को खोने के गुस्से में शिव ने अपने कंधे पर सती के जले हुए शरीर के साथ भयानक और विस्मयकारी तांडव नृत्य किया। इस नृत्य के दौरान सती का शरीर अलग हो गया और टुकड़े पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यहीं पर सती की जीभ गिरी थी, जो अब ज्वाला के रूप में देखी जा सकती है। नंबर 3, करणी माता मंदिर, राजस्थान। भारत में मंदिरों में इतने सारे रहस्य और कहानियां हैं कि यह उन्हें एक दिलचस्प जगह बनाता है। राजस्थान भारत का सबसे अधिक देखा जाने वाला और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में एक छोटे से गांव देशनोक में स्थित देवी करणी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में करीब 20,000 चूहे हैं। जी हाँ, ये चूहे मंदिर के निवासी है, उनका ध्यान रखा जाता है और यहाँ तक कि भक्तों द्वारा पूजा भी की जाती है। चाहे वे कितना भी विद्रोही क्यों न लगे, लेकिन किसी को मारने, चोट पहुँचाने या यहाँ तक कि उन्हें डराने की अनुमति भी नहीं है।
चूहों को पुनर्जन्म के रिश्तेदार और करणी माता के परिवार के सदस्य माना जाता है। वास्तव में सबसे दुर्लभ सफेद चूहों को उसके बेटे माना जाता है। नंबर 2, लेपाक्षी मंदिर में हैंगिंग पिलर, आंध्र प्रदेश। यह केवल भारत में ही हो सकता है, एक हैंगिंग पिलर कोई बड़ी बात नहीं। मंदिर एक पुरातात्विक आश्चर्य है और सभी जगहों पर सुंदर पेंटिंग और नक्काशी है। लटकता हुआ स्तंभ जो हर दिन हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। लगभग 20 फीट लंबा ग्रेनाइट का एक विशाल ब्लॉक है जिसमें शानदार नक्काशी है और ये फर्श से जुड़ा नहीं है। यह पिलर बिना सपोर्ट के मौजूद है। लोग स्तंभ के नीचे से स्लाइड करते हुए यह कि उनके जीवन में समृद्धि लाएगा। लोगों का मानना है कि प्राचीन तकनीक ने गुरुत्वाकर्षण और उत्तोलन को नियोजित किया, क्योंकि 20 फीट के ग्रेनाइट ब्लॉक का कोई रास्ता नहीं है जिसका वजन कई टन बीच हवा में लटक सकता है। स्तंभ वास्तव में मध्य हवा में लटका नहीं है, इसके कोनों में से एक फर्श पर थोड़ा आराम कर रहा है जो कि अभी भी खड़ा है। यह स्तंभ एंटी ग्रेविटी को नियोजित नहीं करता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार थी जिसने कुछ मरम्मत करने का निर्णय लिया और पिलर का हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये पूरी तरह फिक्स हो गया था इसलिए उन्होंने इसे अजीब स्थिति में ही छोड़ दिया। और नंबर 1 पर है तनोट माता मंदिर, जैसलमेर। सबसे पुराने चरण साहित्य के अनुसार तनोट माता जैसलमेर में एक मंदिर है। राजस्थान दिव्य देवी हिंगलांज माता का अवतार है। यह गांव पाकिस्तान की सीमा और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के लोंगेवाला के युद्ध स्थल के करीब है और कहा जाता है कि लड़ाई के परिणाम का एक बड़ा हिस्सा मंदिर को जाता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने मंदिर को निशाना बनाते हुए 3000 से अधिक बम गिराए, लेकिन एक भी विस्फोट नहीं हुआ। 1971 में फिर से जब पाकिस्तान और भारत युद्ध के लिए गए तो इस क्षेत्र को फिर से पाकिस्तानी टैंकों ने 4 दिन तक निशाना बनाया, लेकिन फिर से सभी टैंक रेत में फंस गए और भारतीय वायुसेना ने उन्हें आसानी से बम से उड़ा दिया। जहां वे खड़े थे एक इंच भी हिलने में असमर्थ थे। इस मंदिर ने उस क्षेत्र की रक्षा की है जो सीमावर्ती चौकी से केवल 10 किलोमीटर दूर है और आस्था ऐसी है कि सेना और BSF के सिपाही अभी भी इस मंदिर में रुकते हैं और अपने माथे और वाहनों पर रेत भी लगाते हैं जो उन्हें सुरक्षित रखता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जगह 1965 के बाद से है और 1971 में फिर पुष्टि की गई थी और यह एक रिकॉर्ड किया गया तथ्य है कि इस क्षेत्र पर हमला करने की हिम्मत रखने वाले प्रत्येक दुश्मन सैनिक को मार दिया गया था। तो ये थे भारत के 5 सबसे रहस्यमय मंदिर और वैज्ञानिकों की उन पर राय। अगर आप इनमें से किसी भी जगह गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं गए हैं तो आपको ज़रूर एक बार जाना चाहिए। और ऐसी और कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कहीं अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।